Hello guys, welcome to Engineer Jugadi. In this video I am telling you about how to install a mini digital tachometer. Actually आपने देखा होगा कि mostly जो हम use करते हैं वो analog use करते हैं, but I am telling you about how to install digital tachometer. तो actually मैं ये इसको already open कर चुका हूँ, वो आप मेरी previous video देख सकते हैं कि इसको कैसे open करना है front को. A little description about mini tachometer. दिस इज़ द मिनी डिजिटल टैकोमीटर. एक्चुअली मैंने अली एक्सप्रेस से बाई किया, ये अराउंड 200 रुपीज़ का पड़ा मेरे को. और ये इसके ऊपर थोड़ी मैनुअल है, पढ़ सकते हैं आप. अब इसमें लिखा है मेन 7 पॉइंट एक्चुअल RPM इक्वल टू डिस्प्ले डिजिटल मल्टीप्लाई बाई 10. इट मीन्स जो हमें डिस्प्ले में डिजिटल होगा उसको मल्टीप्लाई 10 से करेंगे तो हमें उसके एक्चुअल RPM मिल जाएंगे. ये इसका बॉक्स था, वेल पैकेजिंग. मैं आपको लिंक दे दूंगा कि आप इसको वहाँ से बाय कर सकते हैं. मैं आपको बताता हूँ कि आप अपनी एक्टिवो में मिनी डिजिटल टैकोमीटर कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं. उसके लिए आपको पहले एक अपना रियर को ओपन करना होगा, फ्रंट एंड देन अपर फेयरिंग. अपर फेयरिंग आपकी मर्जी है कि आप इसको ओपन करें ना करें. एक्चुअली मैंने ये टैकोमीटर अपना यहाँ पर इंस्टॉल करना है तो इसलिए मेरे को ये ऊपर वाला भी खोलना पड़ेगा. तो आपकी मर्जी, आपने जहाँ इंस्टॉल करना है इसको वहाँ कर सकते हैं. बाकी अब मैं आपको बता दूंगा कि इसके कनेक्शन आपको कैसे करने होंगे. अब आप जैसे कि देख सकते हैं कि मैंने इसका फ्रंट फेयरिंग भी पूरा ओपन कर दिया है. अब मैं इस टैकोमीटर को यहाँ पर ऐसे फिट करूँगा. अब इसके लिए क्या करना होगा, आपको इसकी कटिंग करनी होगी. तो इसका प्रॉपर साइज लेके आप इसको यहाँ से कट कर लें ताकि ये बिल्कुल यहाँ सेंटर पे आ जाए. तो दिखाता हूँ मैं आपको इसको आप कैसे कर सकते हैं. आप इसको प्रॉपर कट कर लें. अब आपने देख लिया कि मैंने इसके अंदर ये प्रॉपर होल काट लिया है. अब मे बी ये शायद इसके अंदर चल जाए, देखेंगे. देखिए इसके अंदर ये पूरा एंड मस्त लगेगा. तो अब मेरे को इसकी फिनिशिंग करनी होगी ताकि ये अच्छी तरह इसके अंदर फिट हो जाए. आप इसको कहीं भी लगा सकते हैं. अब जैसे कि आप ये देख रहे हैं कि इसके साथ एक मैंने अलग से कनेक्टर लगाया. ये बेसिकली इसी के साथ मिला था. ये हम होल सेंसर अगर हमने लगाना हो कहीं पे, ये उसके लिए होता है. बट मैंने इसको इसलिए इसके साथ अटैच कर दिया ताकि अगर बाई चांस इसको डिसअसेंबल करना हो तो मेरे को ईजी हो. तो इसको वेस्ट नहीं किया मैंने, इसलिए इसको इसके साथ ही अटैच कर दिया. बाई यूजिंग सैंड पेपर आप इसको अच्छी तरह क्लीन कर लें ताकि ये होल पूरा प्रॉपर साइज़ का हो जाए और इसके अंदर टैकोमीटर बिल्कुल फिट हो जाए. तो मैंने इसके अंदर पूरा प्रॉपर साइज़ का होल मैंने इसमें कट कर लिया. आप इसके अंदर आप टैकोमीटर इंस्टॉल कर सकते हैं. आप देख सकते हैं कि टैकोमीटर पे यहाँ दो होल हैं. आप बेशक इसको स्क्रू से भी टाइट कर सकते हैं लेकिन मैं इसको यहाँ पर ग्लू गन से अच्छी तरह फिक्स कर लूँगा. अगर आपके पास नहीं है तो बेशक आप इसमें स्क्रू के साथ इसको फिक्स कर सकते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल पहले आप ये चेक कर लीजिए कि इसका सही साइड कौन सा है. कहीं आप इंस्टॉल कर दें और बाद में आपको पता चले कि आपने इसको उल्टा लगा दिया. तो पहले आप इसको बैटरी के साथ कनेक्ट करके चेक कर लें. अब आप देख सकते हैं कि मैंने अब ग्लू गन से मैं यहाँ पर इसको अच्छी तरह एडहेसिव कर दूंगा ताकि यहाँ पर मैं टैकोमीटर इंस्टॉल कर सकूँ. अब आप देख सकते हैं मैंने इसको यहाँ ग्लू गन से अच्छी तरह फिक्स कर दिया है टैकोमीटर को अपने, और ये फ्रंट पे भी एंड पूरा क्लियर फिट है. अब इसमें से जो एक्सेसिव ग्लू गन है वो मैं सेट कर दूंगा. और मैंने इसके अंदर जो बेसिकली अब तीन वायर्स आ रही हैं, रेड, ब्लैक और वाइट. जो ब्लैक वायर है वो नेगेटिव है और रेड पॉजिटिव है और वाइट सिग्नल के लिए. तो ब्लैक को अगर आप इन दोनों को बैटरी से कनेक्ट करोगे तो ऑफ पे भी ऑन रहेगा. तो हम इसको ऐसा कनेक्ट करेंगे कि जब हम इग्निशन ऑन करें तभी इसके अंदर सप्लाई आए. तो उसके लिए मैं आपको बताता हूँ आपको इसको किसके साथ कनेक्ट करना होगा. मैं आपको इसके बताता हूँ कि आपको इसके कनेक्शन कैसे करने होंगे. तो इसके कनेक्शन के लिए आपको क्या करना होगा, अगर आपको डायरेक्ट बैटरी से कनेक्ट करना है इसको कि इसमें 24 आवर सप्लाई रहे, तो आप एक ब्लैक वायर को नेगेटिव से और रेड वायर को आप पॉजिटिव से कनेक्ट कर दीजिए. अगर आप चाहते हैं कि आपकी पावर जब आप इग्निशन ऑन करते हैं, मतलब चाबी को जब आप ऑन करते हैं तब इसमें सप्लाई आए, तो आपके लिए इसको क्या करना होगा, जो ब्रेक्स के अंदर से आपकी ब्लैक वायर्स आ रही हैं, ब्रेक्स के अंदर से जो आपकी ब्लैक वायर्स आ रही हैं, इसके अंदर जो सी ब्लैक वायर्स हैं आपको ये वायर उसके साथ कनेक्ट करनी होगी. आप देख सकते हैं इसके अंदर से ग्रीन वायर आ रही है और एक ब्लैक वायर आ रही है दोनों ब्रेक्स के अंदर से. तो आपको इसको इस ब्लैक वायर के साथ इसके पॉजिटिव को कनेक्ट करना होगा. अब देख सकते हैं कि मैंने उस ब्लैक वायर के साथ ये एक वाइट वायर अटैच की हुई है क्योंकि डिपर को भी मैंने इसमें बैटरी के साथ कनेक्ट नहीं किया. क्योंकि जब मैंने आप मेरी पिछली वीडियो देख सकते हैं कि मैंने इसमें जो पास लाइट वाला स्विच लगाया था उसमें जो मेरे पास है वो भी मेरा ऑन पे ही बजता है. तो इसके लिए आप
अपनी पॉजिटिव वायर को इसके साथ कनेक्ट कर दीजिए। जब आप ये इसके साथ कनेक्ट करेंगे और अपनी ब्लैक वायर को आप इसके बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर दीजिए, और वाइट को फिर मैं आपको वाइट वायर बताता हूँ आपको वो किससे किसके साथ कनेक्ट करनी होगी। तो पहले आप इसको अच्छी तरह कनेक्ट करके टेपिंग कर दीजिए। आप फिर भी आपको मैं दोबारा बता देता हूँ कि ये जो मेरी वाइट वायर है मैंने ब्लैक वायर के साथ एक्सटेंड करके अटैच की हुई है, क्योंकि यही वायर मैंने आगे डिपर स्विच में लगाई हुई है। तो आप कंफ्यूज मत होइए, बस आपको सीधा ब्रेक्स के अंदर से आ रही ब्लैक वायर्स के साथ इसको अटैच करना है, अगर आपने इसको इग्निशन के साथ कनेक्ट करना देख है। सकते हैं कि मैंने इसकी ब्लैक वायर को इसकी बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ और जो इसकी पॉजिटिव वायर आ रही थी रेड वो मैंने इसकी ब्रेक वायर्स के अंदर जो इग्निशन वायर थी मैंने उसके साथ कनेक्ट कर दिया। अभी आप देख सकते हैं कि मेरे टैकोमीटर में कोई पावर सप्लाई नहीं है, और जब मैं इग्निशन ऑन करता हूँ तो इसके अंदर पावर सप्लाई आ जाएगी। मैं आपको बताता हूँ कि इसकी जो सिग्नल वायर है वो आप किसके साथ कनेक्ट करेंगे, वो आपको कनेक्ट करनी पड़ेगी। ये जो इसकी वाइट वायर है वो आप कनेक्ट करेंगे इसके इग्निशन के नेगेटिव के साथ, आपको इसके साथ इसको कनेक्ट करना होगा। जैसे कि देख रहे हैं मैंने इसके साथ ऑलरेडी एक वायर अटैच की हुई है, तो मैं इसको वहीं जो मेरा किलर स्विच है मैं इसको वहीं पे उसी के साथ अटैच कर दूंगा। आपको इसके इग्निशन के इसके साथ अटैच करनी होगी इसकी वाइट वायर, क्योंकि यहीं से सिग्नल जाएगा कि कितनी स्पार्क की टाइमिंग हो रही है। तो आइए अब मैं इसके इग्निशन के साथ कनेक्ट हूँ। और फ्रेंड्स प्लीज़ इस बात को नोट कर लीजिए कि ना जो इसके अंदर आरपीएम आपको शो होंगे वो 10 के साथ मल्टीप्लाई करके ही वो इसके एक्चुअल आरपीएम होंगे एज़ पर मेंशन इन दिस। यू कैन क्लियरली सी फ्रॉम दिस एक्चुअल आरपीएम इज इक्वल टू डिस्प्ले डिजिटल मल्टीप्लाई बाय 10। इट मीन्स इसके एक्चुअल आरपीएम के लिए आपको इसको 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो आइए मैं अब इसकी वाइट वायर को इसके इग्निशन के साथ कनेक्ट करता हूँ, फिर आपको इसके एक्चुअल आरपीएम बताता हूँ कि इसके कितने एक्चुअल आरपीएम आएंगे। अब आप देख सकते हैं मैंने इसको अच्छी तरह ऊपर पूरा पैक कर दिया है, ये सारी वायर्स को मैंने इसके पीछे खींच दिया है, और मैंने ये इस वाइट वायर जो सिग्नल वायर थी उसके साथ मैंने एक वायर एक्सटेंशन कर लिया जो ब्लैक कलर की है, इसको मैं पीछे इग्निशन के साथ कनेक्ट कर दूंगा। मैंने जो सिग्नल वायर थी उसको मैं सिंपली यहाँ से ले जाके इसको मैंने अपने इसके इग्निशन कॉइल के साथ अटैच कर दिया है। अब इसको इसके साथ अटैच करने के लिए अगर आपको वायर निकालनी हो तो आप सिंपली इसकी हेल्प से इसके अंदर से आप अपनी वायर को इजीली ड्रॉ कर सकते हो बाय यूजिंग दिस वायर। अब मैं आपको इसके आरपीएम दिखाता हूँ। आप देख सकते हैं कि मेरे इंजन के आरपीएम इस टाइम 132 कुछ समथिंग आ रहे हैं, 127 134, इट मीन्स 1300 है जो कि इसकी एक आइडलिंग स्पीड होती है हमारी मोस्टली एक एक्टिवा की जो है, जो कि एक इसकी आइडलिंग स्पीड है। आप देख सकते हैं कि टैकोमीटर भी इंस्टॉल हो गया है, वायरिंग भी सारी कवर्ड है। तो अब हम इसको क्या करते हैं, पैक कर देते हैं पूरी एक्टिवा को फुली पैक्ड, देन आफ्टर दैट आई विल शो यू हाउ इट लुक्स एंड इट्स वर्किंग। अब आप देख सकते हैं कि मैंने अपनी एक्टिवा को फुली पैक कर दिया है और ये एक आइडल कंडीशन के अंदर है नाउ, और इसके आप आरपीएम चेक कर सकते हैं 135 137 129 128, इट मीन्स ये 1200 से लेके 1300 समथिंग आरपीएम पे ये इसकी एक आइडल कंडीशन है, आप चेक कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो कीप लाइक शेयर एंड कमेंट। एक्चुअली शायद ये मेरी वीडियो हुई होगी जिसके अंदर मैंने डिजिटल टैकोमीटर इंस्टॉल किया है। डिजिटल एक्चुअली एक्यूरेट रीडिंग हमें बताएगा कि किस आरपीएम में हमारी एक्टिवा रन कर रही है।